मेरे वीडियो कॉल्स में मुझे बोलते थे कि आपके नेल्स लंबे क्यों नहीं है, टैरो रीडर्स के तो नेल्स बड़े लंबे होते हैं और वो एक पर्टिकुलर टाइप का काजल लगाते हैं और कुछ वो सोलमेट के जैसे कुछ सेंस में होते हैं, लेकिन वो एक कर्स के साथ होते हैं। उनके लिए कहा जाता है कि वो कभी भी किसी भी लाइफ टाइम में एक नहीं होंगे, तो वो मिलेंगे, उनके साथ उनके बहुत पैशनेट कनेक्ट होगा एक दूसरे के साथ, एकदम ऐसा लगेगा कि जो पजल का पीस मिल गया और इतनी चीज़ अलाइन करेंगी, मैच करेंगी, और वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिलेंगे एंड देन दे विल डिसअपीयर। अदिति आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अदिति सबसे पहले आप टैरो कार्ड रीडर हैं, तो सबसे पहले मैं ना थोड़ा टैरो कार्ड के बारे में जानना चाहती हूँ। आप इसको कैसे रीड करते हैं, आप इसका फ्यूचर बता देते हैं, जैसे आप कोई भी कार्ड को निकालती हैं, आप इंट्यूशन आपकी बहुत हेल्प करती है इसमें, क्योंकि आप स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग है, जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में भी बातचीत की है। तो सबसे पहले कि आपके सामने जब कोई इंसान आता है, आप वो आपसे प्रॉब्लम पूछता है, तो क्या आप उसके टैरो कार्ड जब आप निकालती हैं, उसको रीड करती हैं, तो आप उसका फ्यूचर भी बता सकती हैं या सिर्फ उसी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकती हैं? वो जिस भी सवाल के बारे में पूछे, हम सारी चीज़ों के जवाब पूछ सकते हैं टैरो कार्ड से। इट जस्ट डिपेंड्स कि वो जानने में क्या इंटरेस्टेड है। जैसे कोई लव लाइफ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है, वो वही सवाल कर रहे हैं, और कभी कभी वो बोलते हैं कि आप ही बता दीजिए आपको क्या क्या चीज़ें ठीक लग रही हैं और क्या क्या आपको लगता है मुझे पूछ लेनी चाहिए, मुझे पता होनी चाहिए। तो फिर हम एक जनरल स्प्रेड करते हैं, फिर देखते हैं कि ठीक है इनका फाइनेंशियल तो ठीक है, बट लव लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक दिख रही हैं आगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, अब इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये एक इलैबोरेट जो उनकी एक जनरल रीडिंग होती, वो एक लव रीडिंग बन जाती है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम जिस तरीके से वो चल रहे हैं, उस तरीके से उनका करियर फाइनेंस तो ठीक लग रहा है, ये वाले पार्ट में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, कभी कभी सब एक इंसान अपने 10 क्वेश्चंस रिटर्न लेकर आते हैं, मेरे ये सवाल है, मुझे इन सब के जवाब चाहिए। तो इट डिपेंड्स। और कभी कभी किसी को पता भी नहीं होता है कि उनकी एक्चुअली में एक्चुअली में उनको प्रॉब्लम क्या है, उनको बस ये है कि कुछ सही नहीं चल रहा है, समथिंग इज नॉट राइट, मुझे अपनी जिंदगी में खुशी नहीं मिल रही है। तो फिर उसका और एक स्टेप और पीछे रख के ओवरऑल चेक करते हैं, फिर अंदर तक फीलिंग्स चेक करते हैं, फिर उसके डीप लेयर चेक करते हैं, फिर पास्ट में जाते हैं, सारे एनालिसिस के बाद फिर, क्योंकि जब एक कोई इंसान बिल्कुल डायरेक्शनलेस, उसे पता नहीं है, बस उसको ये पता है कुछ गड़बड़ है, मैं पॉइंट नहीं कर सकते, फिर उसका इलाज निकालते हैं और फिर उसके हिसाब से आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं अभी कमेंट पढ़ रही थी जब शो स्टार्ट करने से पहले, तो इसमें ये था, एक कमेंट था लोगों का कि मैं अपने सोलमेट को कैसे ढूंढूं, या मेरे सोलमेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर एक जनरली मैं आपसे पूछूं कि कोई भी अपना सोलमेट ढूंढना चाहता है या अपना कोई लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहता है, तो वो कैसे ढूँढे? आपने अपने माता पिता को ढूंढा तो नहीं था, तो मिल गए थे ना जब आप पैदा हुए थे, मिल गए थे, तो ये भी मिल जाती है चीज़ हमारे को। बस जैसे मैंने आपको भी मैनिफेस्टेशन के बारे में समझाया ना, हमें एक क्लियर विजन रखनी होती है। कुछ लोग होते हैं जो मैनिफेस्ट नहीं भी करते हैं, फिर भी उन्हें मिल जाती है। जैसे कि कुछ लोग वेल्थ मैनिफेस्ट नहीं करते बट उन्हें मिल जाती है, बट कुछ लोग उस तरीके की सोच रखते हैं, उसके बाद होता है। और जो आप कह रही हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप उसकी सोच एकदम पक्की रख लीजिए कि जी ऐसा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, माइंड से क्लियर होना चाहिए, ह्यूमरस होना चाहिए, या आपने एक अपने माइंड में फिगर क्रिएट कर ली और उसके बाद आपने सरेंडर कर दिया कि देख लो ये है मेरा पार्टनर, मुझे तो ये ऐसा ही चाहिए, ये सोलमेट है चाहे नहीं है, मुझे ये चाहिए। फिर आपको वो आपका जो एक कस्टम मेड आपने एक ऑर्डर प्लेस किया था, वो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। हो सकता है इस बीच में आप किसी मेंढक से भी मिलो, मेंढक मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि वो द प्रिंसेस हैड टू किस द फ्रॉग्स अंटिल शी मेट द राइट वन, ऐसा हो सकता है मेंढक भी मिले, लेकिन फिर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि यार ये वो मैच हो रहा है, नहीं ये वो मैच नहीं हो रहा है, काटा, आई विल स्टिल वेट, मुझे पता है वही मिलेगा। क्योंकि जब आपकी कोई सोच से हटा हुआ है
और फिर भी आप उसके साथ हो, तो आप कहीं ना एडजस्ट कर रहे हो कि वो अब्यूसिव है, आपने तो सोचा था मुझे तो रिस्पेक्ट करने वाला चाहिए था, तो ये मैच नहीं हो रहा, मैं इसके साथ क्यों, ये सही नहीं है, इसको नहीं भेजा गया है मेरे लिए, इससे मैं धीरे धीरे हटती हूँ, मुझे मिलेगा वही जो मैंने बोला है. देन यू वेट एंड देन दैट पर्सन कम्स इन टू योर लाइफ. दिस इज वन अबाउट मेरे को ऐसा चाहिए. दूसरा इज अबाउट द सोलमेट. सोलमेट को नहीं कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, चलते रहो दुनिया के अंदर, अपनी एक सोच रखो कि मिलेगा और मिल जाता है, क्योंकि तुम पहचान जाओगे उसे बड़े अच्छे तरीके से. वो जरूरी नहीं है तुम्हारे उस लिस्ट में सिर्फ मैच ही करे, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा ही हो, वो गुड लुकिंग ही हो, वो बहुत वेल्दी ही हो. हो सकता है वो सब हो सकता है वो इनमें से दो तीन चीजें कम हो, लेकिन वो तुम्हारी लाइफ में आते ही ना तुम्हारी लाइफ पॉजिटिव तरीके से इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देगा, तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगा, तुम एज अ पर्सन इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा सपोर्ट आ जाएगा जहाँ तुम्हें लगेगा कि कोई है साथ नहीं है, ये तो साथ है ही, यहाँ मुझे ऐसा सेफ फील होता है, सुकून फील होता है, इसके साथ लड़ भी रही हूँ ना फिर भी मुझे इसी के पास जाना है. और इस मतलब खराब लड़ाई नहीं, जो एक नोकझोंक वाली लड़ाई होती है, तो मुझे चाहिए यही, तो उससे हमें ना कुछ चीजों से पता चल जाता है कि यही है मेरा वो सोलमेट. और तो मतलब ये, यही मैटर करता ये है. जो सेफ फीलिंग वाली बात आपने कही, तो ये सोलमेट हमारा कोई भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, राइट, हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता जी, है जी, या जी. हो सकती है. हमारे एक्चुअली 7 सोलमेट कहे जाते हैं, 7 सोलमेट्स होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हमारे 7 पार्टनर्स होंगे. वो किसी भी रूप में हमारी लाइफ में, इन द फॉर्म ऑफ समटाइम्स योर सिस्टर, समटाइम्स योर ब्रदर, बेस्ट फ्रेंड, फादर, ग्रैंडफादर, या फिर हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड ऐसे हो जो आपको लगे कि इसके साथ समझ नहीं आ रहा क्या रिश्ता है, पर इसको हमेशा पता होता है कि मुझे क्या चाहिए. इसके साथ कभी बोर्डम फील नहीं होता, मेरे को प्रॉब्लम होती है ये यहाँ पर खड़े होते हैं. सो कुछ रिश्ता है, देयर इज समथिंग वेरी यूनिक, एंड दैट इज नॉट नेसेसरी कि उसके साथ हमारे रोमांटिक इंक्लिनेशन हो ही. उसके साथ एक ऐसा रूहानी कनेक्शन, मतलब एक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, जहाँ ये लगता है कि ये अपना है, कुछ अपनेपन जैसा है इसके साथ. ट्विन फ्लेम के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी. ट्विन फ्लेम भी क्या सोलमेट जैसे ही होते हैं? वो सोलमेट के जैसे कुछ सेंस में होते हैं, लेकिन वो एक कर्स के साथ होते हैं. जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो कभी भी किसी भी लाइफ टाइम में एक नहीं होंगे, तो वो मिलेंगे, उनके साथ उनके बहुत पैशनेट कनेक्ट होगा एक दूसरे के साथ, एकदम ऐसा लगेगा कि जो पजल का पीस मिल गया और इतनी चीज़ अलाइन करेंगी, मैच करेंगी, और वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिलेंगे एंड देन दे विल डिसअपीयर, और फिर पूरी लाइफ लग जाएगी बट वो एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइफ भी ले लेंगे तब भी नहीं हो पाएंगे. सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक्चुअली मतलब इंसान को दुआ करनी चाहिए वो उससे ना मिले, क्योंकि वो तुम्हें वो ऐसा सुख, ऐसी खुशी जो तुम्हें मिल के तुमसे छीन ली गई, वो उससे उससे ज़्यादा अच्छा है कि वो खुशी ही ना मिले. क्योंकि आप ये समझिए, कोई आपके आपको बढ़िया घी से लदा हुआ परौंठा खिलाया, आप रोज़ सिंपल खाना खाते हैं, आप गए मज़ा ही आ गया, और फिर आपके पास से वो परमानेंटली छीन ली जाए ऑप्शन, कि ये वाला जो तुम्हारे पास ये थी ना, ये घी और ये एक्सटिंक्ट हो गया, अब ये वाला कभी भी नहीं मिलेगा, तो तुम एक उसमें आ जाते हो कि अब फिर तुम वो ढूंढते रहोगे, तुम सब में वही ढूंढते रहोगे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है ट्विन फ्लेम. इसमें जैसे आपने कहा कि आपके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सोल कनेक्शन, राइट, सोल कनेक्शन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. कुछ जैसे लाइफ पार्टनर की अगर मैं बात करूं कि इनके साथ है ना मेरा कुछ ना कुछ पहला पुराना कोई कनेक्शन होगा, तभी मेरे इस जीवन में जो है मेरे लाइफ पार्टनर बने हैं, तो ऐसा सुनते तो आते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब चीजें ऐसी होती है ना, जब चीजें मैच नहीं होती है, तुम मेरी नसीब में कैसे आ गए, तुम्हारी तो हरकतें ही ऐसी नहीं है कि तुम मेरी लाइफ में भी एग्जिस्ट भी करो, तो वो क्या कनेक्शन होता है? वो तो खैर जो आप पास्ट लाइफ का बोल रहे हो, वो तो पास्ट लाइफ कर्मा कभी एक नतीजा हो सकता है. जैसे कि अगर अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं पास्ट लाइफ का, मान लीजिए ये मेरा ही पहला ही जन्म हो, फिर तो आप एक अगर पार्टनर की बात करें जो आप सोच रहे हैं कि ये मेरे पास्ट लाइफ का है, तो अगर आपका पहला ही जन्म है तो वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्ट तो फिर हो ही नहीं सकता. अच्छा, क्योंकि उसके लिए
पहला कोई जन्म भी तो होना चाहिए ना जिसके लिए वो पास लाइफ, बाकी ये मुश्किल ही है आपका ये पहला जन्म हो, हुए तो हुए होंगे, कोई ना कोई तो हुए होंगे, लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ पहले लगता था कि ये तो मेरा कुछ तो इसका रिश्ता है, और फिर ऐसा लगता है कि इसके साथ तो मेरा कौन सा ही रिश्ता है, तो वो शायद स्टार्टिंग में भी वैसा रिश्ता हो सकता है, इतना स्ट्रांग ना लाओ। कभी कभी हमारे हार्मोनल भी होता है, हमने इतनी चीजें टीवी में देख ली हैं, मूवीज में, गानों में, कि दिमाग एक अलग तरीके से चलने लग जाता है, हमारे केमिकल इम्बेलेंसेज हो जाते हैं अंदर, और जो हमने देखा पढ़ा है हमें सिर्फ वही समझ में आने लग जाता है। तो जरूरी नहीं है हर बार जो हमें लगे वो ही हो। तो ऐसा भी मेरे को रीडिंग में लोग पूछते हैं कि मुझे ऐसा लगता है क्या ये सच में है मेरा इसके साथ ऐसा कनेक्ट, तो कई बार आता है हाँ, और अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, और फिर इवेंचुअली हमें पता चलता है ऐसा क्यों, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जैसे एक फिजिकल अट्रैक्शन होती है तो इंसान कभी कभी नाम नहीं दे पाता ना कि क्या है, तो वो सोच लेता है कि ये मेरा कुछ तो इसके साथ रिश्ता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता भी है, कभी कभी वो पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कभी माँ बेटे हो सकते हैं, कभी बहन भाई हो सकते हैं, ये नहीं कह रही कि इस लाइफ में हस्बैंड वाइफ है, मतलब कि इस लाइफ में माँ बेटी थी, अगले लाइफ में एक दूसरे की सहेलियां हैं, और उनके बीच का ऐसा कनेक्ट है कि एक दूसरे का ध्यान ही रख रही है, कैसे ना कैसे, मतलब हम भी सोचते हैं ना यार ये दो जने हैं, एक करे जा रही है अपने मन के और दूसरा फिर भी उसका ध्यान रख रही है, और वो उसको कितना प्यार कर रही है, वो वापस भी नहीं कर रही, फिर भी वो कितना प्यार करती है उसको, तो वो कुछ एक ऐसा नहीं होता कि कोई भी बिल्कुल बेवकूफ है कि उसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन दिल होता है ना वो समझ नहीं पाता, क्योंकि उसको आत्मा कुछ कनेक्शंस और साइंस और वो भेज रही होती है कि नहीं यहाँ पर तुम्हारा कोई ना कोई पास रिश्ता है, और इसने तुम्हारी तुमने उधारी तुम्हारी बैलेंस करनी है, इन्होंने बहुत किया तुम्हारा पिछली बार, इस बार तुम्हारी बारी है, करो। जब हम लोग ऐसे अपने सोल कनेक्शन से जो हमारे पास्ट कर्म में कुछ होते हैं तो उनसे मिलके ऐसा कुछ लगता है, जैसे हम लोग मूवीज में सुनते हैं ना, जब प्यार होगा तो पीछे से आपका म्यूजिक बजेगा, हवाएं चलेंगी, तो एक तरह से ये एक इंडिकेट कर रहा है कि आपको आपका जो है लवर मिल गया है जिसे आप ढूंढ रहे थे, राइट, एक वो फीलिंग आ गई। ऐसी ही क्या हम लोगों को रियल लाइफ में, अगर मैं बात करूँ, क्या ऐसी कोई फीलिंग आती है कि हाँ ये इंसान है और इसके साथ मेरी लाइफ आगे, पता नहीं है लाइफ पार्टनर हो या सोलमेट हो, पता नहीं है, लेकिन एक 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 कनेक्शन है, तो वो क्या फीलिंग होती है कि जिसे इंसान समझ नहीं पाता है? वायलेंस तो मुझे डेफिनेटली नहीं लगता है बचते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है एक सुकून की फीलिंग होती है। अच्छा। हर बल्कि वायलेंस तो एक म्यूजिक है ना, मुझे लगता है सारा शोर चुप हो जाता है, बस तुम्हें एक सुकून लग रहा होता है, एक सेफ्टी का एहसास होता है कि नहीं कुछ इसके बारे में सही है, मैं एक्सप्लोर करती हूँ बट कुछ तो है जो इसके बारे में पक्का से सही है। एक और फिर एक एक पुल भी होता है, एंड इट्स नॉट ऑलवेज अ फिजिकल पुल, उसकी बातें समटाइम्स एग्जैक्टली वही होती है जो तुम सोचते हो कि कोई कि तुम्हें ऐसी कोई बातें कभी बोले या इस बात का ये जवाब होना चाहिए, और तुमने बहुत जगहों में सुना और तुम्हें नहीं मिला, और इसका मतलब ये नहीं वो ही ने सही जवाब दिया और बाकियों ने गलत दिया, हो सकता है बाकियों ने भी सही दिया हो, लेकिन हर एक की सही की परिभाषा अलग है ना। हो सकता है मेरे लिए सही है कि मैंने अगर पूछा बताओ मेरे को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कुछ लोगों ने बड़े अलग अलग जवाब दिए, वो भी अच्छे, बट मुझे ऐसा लगता है जिसने ये जवाब दे दिया ना, मतलब वो मुझे समझता है या वो मुझे जानता है, और वो मुझे नहीं भी जानता फिर भी उसने वो बात बोल दी, तो तुम्हारा ना दिमाग एकदम से थनक जाता है कि ये कैसे फील कर पा रहा है वो चीज़ जो इसे पता भी नहीं है। एंड देन यू गेट साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स ऑल्सो, समटाइम्स तुम दोनों सेम चीज़ सेम टाइम पे सोच रहे होते हो, तुम्हारे आइडियाज़ बड़े सिमिलर चल रहे होते हैं, या फिर समाओ सेम कलर के कपड़े पहनकर आ जाते हो, और फिर कुछ ऐसा भी होता है कि तुम लोग चाहे तुम्हारे कम्प्लेक्शन डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, फिजिकल अपीयरेंस टोटली डिफरेंट, बट देयर इज समथिंग राइट जो तीसरा इंसान भी बता पाता है कि कुछ सही है इनके, यू नो समथिंग इज राइट अबाउट दीज पीपल। ये लड़ भी रहे हैं या बात भी नहीं कर रहे, फिर भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि सोलमेट होने की ये गारंटी तो नहीं है कि वो लड़ेंगे नहीं, लड़ते तो मतलब देवी देवता भी थोड़ी बहुत तो उनके बीच में भी होती है, तो थोड़ी बहुत तो उनमें भी होगी, लेकिन कुछ सही लगेगा, कुछ ऐसा लगेगा कि दिल को ठंडक मिल रही है इन्हें देख के भी, और उनको भी समझ आपस में दिल को ठंडक मिलने लग जाएगी। वॉयलेंस तो नहीं, ठंडक। हाँ अदिति, जैसे ये चीजें तो क्लियर हो गई, सोलमेट, लाइफ पार्टनर और ट्विन फ्लेम, अभी मैं इससे इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस हमारी ऐसी है जो जानना चाहती है, सुनना चाहती है, और
पढ़ना चाहते हैं कि मेरा सोलमेट कैसा होना चाहिए, कुछ रेमिडीज अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, अगर वो कोई सोलमेट ढूंढ रहे हैं तो उनके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्हें स्पेशली देखनी चाहिए? देखिए वो तो टू ईच इट्स ओन, हर किसी की अलग एक सोच होती है, लेकिन जनरली अगर सोलमेट तो उनका ऑलरेडी है, उसकी हम क्वालिटीज नहीं चेंज कर सकते, लेकिन एज अ पार्टनर आई थिंक लॉयल्टी और केयर, प्यार, ये एक बेसिक चीज़ें होती है जो मुझे लगता है इंसान सोचता ही है और सोचनी भी चाहिए। इसके बाद उन्हें जो ऐड करना है कि ये भी हो, ये भी हो, मेरे को पैम्पर भी करे, वो भी वो अपनी एक क्लियर विजन उसकी बना के रखे। अब वो इसमें मैनिफेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक इंसान अपनी लाइफ का ऐसा चूज करें जो कि उन्हें पता है ये इंसान मेरा 100% वेल विशर है, जो कि यूजुअली केसेस में हम जैसे माँ बाप होते हैं, लेकिन फादर्स ना फिर भी एक अलग, उनके साथ तुम उस तरीके से बात करने में थोड़ा सा सोचते हो, लेकिन जो तुम्हारी माँ होती है वो तुम्हारे दिल को बहुत अच्छे से समझती है और उसके अंदर से सिर्फ आशीर्वाद निकलता है, जजमेंट नहीं कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप अपनी माँ के सामने, ये माँ के सामने या आपकी बहन है या आपको कोई भी एक इंसान ऐसा पकड़ लीजिए जो आपको लगता है कि इसके मन से मेरे लिए सिर्फ आशीर्वाद निकलेगा, आप उनसे ये बोलिए मुझे ना ऐसा पार्टनर चाहिए मम्मा कि जो ऐसा हो, ये हो, ये हो, ये हो, अब मुझे नहीं पता कैसे होगा, बस मुझे ये चाहिए। आपकी माँ के अंदर से ना एक आशीर्वाद निकलेगा, मेरी बेटी ऐसे मांग रही है, कैसे ना कैसे तो इसे करा दो, ये काम करा दो। तो अभी दो एनर्जी चलेगी, एक जो आपकी, क्योंकि कभी माँ बाप की भी एक अलग इमेज होती है ना कि वो तो ये सोचते हैं कि भैया लड़का वेल सेटल्ड हो, रिस्पेक्ट करे, और लेकिन बेटी की अलग इंटेंशन है, उसको क्या क्या चाहिए, तो वो एक सेम अलाइन करे ना, तो एक ये चीज़ करी जा सकती है कि वो जो जैसा चाहिए उसके लिए अपनी लाइफ के एक वेल विशर को थोड़ा थोड़ा टाइम में हल्का हल्का याद दिलाते रहो, ताकि वो एक ब्लेसिंग के रूप में आपकी वो चीज़ आगे मैनिफेस्ट कराने में हेल्प करे। एक दूसरा, जनरली लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए रोज क्वार्ट्ज़ एक क्रिस्टल होता है, पिंक कलर का होता है, वो लव को लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा होता है, आपकी सेल्फ लव को इन्हांस करता है, किसी को अगर एंजाइटी होती है वो उसके लिए भी बड़ा हेल्पफुल होता है, और शादी के लिए हेल्पफुल होता है। तो जनरली अगर क्रिस्टल्स बोले तो रोज क्वार्ट्ज़ रखा जा सकता है। अगर मंत्र करने हैं और पूजा करनी है या किसी की शादी थोड़ी सी लेट हो गई है, तो विष्णु जी का ये मंत्र जो मैं आपको बता रही हूँ ये इतना कारगर है कि इसके इसके अनगिनत फायदे हैं, लेकिन उनमें से एक, क्योंकि आप लव लाइफ के बारे में पूछ रही हैं तो ये बहुत फायदा करता है, मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकदम सही तरीके से सुबह नहा के मंदिर में आप अपने दिया जला के ये 108 बार करें, 108 बार करने में 10 से 15 मिनट ज़्यादा नहीं लगते हैं, पर आपने करना ऐसे कि आप रम गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, कुछ भी करो, चाहे 2 मिनट की भी अगर हम ध्यान लगाएं लेकिन हम उसमें रम जाएं, तो ये आप एक रेमेडी ये है जो आप कर सकते हैं। इसके साथ आप एक रॉ एम्बर भी रख सकते हैं, अगेन फॉर लेट मैरिज की अगर शादी में कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही है और टाइम लग रहा है, तो ये भी कराया जा सकता है। कृष्ण जी को भी, जैसे कि वो बोला जाता है कि किसी का अगर लव लाइफ या रिलेशनशिप में अच्छा है, तो कृष्ण जी के मंत्र भी और कृष्ण जी को याद करने से भी, उनकी सेइंग्स पढ़ने से भी अपने आप एक तो मन, मुझे ऐसा लगता है, बड़ा ही प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, और जब हम खुश होते हैं हमारा एक कनेक्ट बन जाता है। तो आप ये देखिए, एक बच्चा भी जो खुश होता है ना, हंसता हुआ होता है, हम उसके साथ खेलना चाह रहे होते हैं, रोते हुए बच्चा है फिर भी ना इंसान सोचता है कि चल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, हम फिर खेलना चाहेंगे। तो इन सब चीज़ों से ना आप अट्रैक्टिव भी बनते हैं, क्योंकि आपके अंदर से एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा निकलनी स्टार्ट होती है, सेल्फ लव में आते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि आप जिसके पीछे भागेंगे ना, सामने वाला भी उसके पीछे भागेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनके पीछे ही भागते रहेंगे तो वो भी अपने ही पीछे भागेंगे, अगर आप अपने पीछे भी भागेंगे तो वो भी आपके पीछे भी भागेंगे। तो आप इन सब चीज़ों में प्रैक्टिसेस में स्टार्ट करते हैं ना, तो आप अपने आप से प्रेम करना भी स्टार्ट कर देते हैं, तब सामने वाले को भी आपकी वैल्यू और अच्छे से पता चलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी ऑफ कोर्स हर किसी की अपनी एनर्जी है और उसमें स्पेसिफिकली उनके लिए क्या हेल्प होगी, क्योंकि कभी इस मामले में भी कुछ लोगों को मैंने जैसे बताया नज़र लगी हुई होती है, या कोई नहीं चाहता होता ये सेटल हो जाए, तो उसके लिए उन्हें अलग चीज़ें करनी पड़ सकती है, बट एक जनरली ये चीज़ें डेफिनेटली करी जा सकती है। ये तो बात हो गई हमारी फाइंड समवन, सोलमेट। अभी एक चीज़ और है जो आज के यूथ में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, ब्रेकअप।
ब्रेकअप से वो ओवरकम नहीं हो पाते हैं, उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, राइट? तो ऐसे में जो लोग है ना, फिर बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं खुद को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर वो स्पार्क खत्म हो जाता है. तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगी, मतलब वो ब्रेकअप से कैसे मूव ऑन होए और कैसे अपने आप को वो स्ट्रेंथ दे कि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करे? देखिए, इसमें भी ना डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक के दिल टूटना दर्द तो देता है, लेकिन कुछ लोगों को दूसरों से ज्यादा दर्द देता है, कुछ को बहुत ज्यादा देता है, कुछ होता है कि ठीक है, टूटा हुआ है दिल, काम कर रहे हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ मैनेज हो जाएंगे. वो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुने अच्छे ही होते हैं मेजरली, बट मुझे सबसे बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर एक ही लगता है, कृष्ण. आप अगर उनकी कोई भी सेइंग कहीं से भी उठा लें और वो एक सेइंग को आप 4 दिन लगातार अपने माइंड में ना प्रैक्टिस करते रहें. फॉर एग्जांपल, भगवत गीता में जैसे कहा गया है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा. तो इससे ना आपके मन में ना, आप इसे बार बार रिपीट जब अपने माइंड में करते जाते हो, कोई भी स्पीकर कुछ भी बोल रहे, घूम फिर के ना बात कोई ना कोई गीता की निकल कर आएगी, आपको समझ में आएगा. तो आप ये जब अपने लाइफ में धीरे धीरे उतारना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं यार, अच्छा तो हुआ, ये परेशानी थी मुझे उसके साथ, ये भी दिक्कत आती थी, ऐसा भी खराब हो सकता था, हो सकता है ये दिक्कत आ जाती, आप अपने आप को अपने हीलर बन जाते हैं, अपने मोटिवेशनल कोच बन जाते हैं, समझाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर आप सोचते हैं कि हाँ नहीं नहीं ये तो सही में ही अच्छा नहीं हुआ, इसके साथ मतलब रहना तो अच्छा नहीं था, अच्छा हुआ ये खत्म हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे अब क्या क्या नहीं चाहिए वो तो मुझे क्लियर है, मुझे क्या करना है वो मुझे धीरे धीरे दिशा मिलती जाएगी. क्योंकि जब आप किसी का भी एक रास्ता पकड़ लेते हो, अब इसका मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि कृष्ण भक्ति में चले जाओ, मैं बस ये कह रही हूँ उन्हें एक मोटिवेशनल कोच की तरीके से आप ले लो. आपने अगर वो ले लिया, उनकी भक्ति में जाना, तो अपने आप में एक ब्लेसिंग है. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इस चीज में इतना नहीं करना है, मुझे सिर्फ नॉलेज लेनी है, तो आप वो नॉलेज को भी अगर आप माइंडफुली अडेप्ट करते रहोगे, तो आपको, आप चाहे उन्हें अपनाओ ना अपनाओ, वो तो आपको अपना ही लेंगे, वो आपको रास्ता दिखाते रहेंगे. अब चाहे वो हैं, चाहे कोई भी हैं, क्योंकि सारे हैं एक ही, बस अलग अलग चेहरे हैं. तो आपने अगर किसी एक की सेइंग अपना ली, मतलब आपने सबकी सेइंग्स अपना ली, क्योंकि सब वही कहना चाह रहे थे, वो भी तो मैनिफेस्टेशन ही है ना भगवान की. तो आपने अगर वो अपना लिया, तो वहां से किसी ने आपको अपना लिया. जब आप सुकून से रहना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी एक क्लियर विजन बनाएंगे, आप अपनी लाइफ में एक्चुअली सही पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं. क्योंकि अगर किसी ने आपको सारे अच्छे सबके बीच में मझधार में यूं ही छोड़ दिया, तो वो तो फिर आपको कल भी छोड़ सकता था. वो तो आप साथ में शादी में होते, आप हो सकता है उसके लिए लड़े होते, वो तो तब भी छोड़ सकता था. तब आप सिर्फ उसी नाव को गोल गोल घुमाते रहते, तब शायद ज्यादा तकलीफ होती. अब इस केस में हो सकता है किसी का सिर्फ ब्रेकअप नहीं, हो सकता है किसी का डिवोर्स भी उसको इस तरीके से तकलीफ दे, पर इसका मतलब ये नहीं है वो लास्ट है. वो लास्ट कभी भी नहीं है. आप उससे बस, आपको एक सही दिशा मिल जाएगी ना, तो आप किनारे लग ही जाएंगे, और हो सकता है वो किनारा आपकी इस जर्नी से बहुत ज्यादा अच्छा हो. बस आप मोटिवेशनल कोच सही चुनिए, और उसको एक को चुन लीजिए, और उसको पकड़ के चल लीजिए. मूव ऑन क्या, लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस मिलेगी. बिल्कुल अदिति, जैसे कि मैंने बहुत सारे ऐसे टैरो कार्ड रीडर्स को देखा है, उनके है ना ज्वेलरी वगैरह बहुत हेवी रहती है, मेकअप बहुत हेवी रहता है, एंड हाथों में भी बहुत सारी चीज़ें पहनकर रखते हैं, क्रिस्टल्स वगैरह हो गए कुछ भी. आप बहुत सिंपल है, आपको देख के कभी किसी ने बोला है कि आप दिखती तो नहीं है कि आप कोई टैरो कार्ड रीडर हैं? तो नहीं, मैं तो आपको बता नहीं सकती. मेरे वीडियो कॉल्स में मुझे बोलते थे कि आपके नेल्स लंबे क्यों नहीं है. टैरो रीडर्स के तो नेल्स बड़े लंबे होते हैं, और वो एक पर्टिकुलर टाइप का काजल लगाते हैं और कुछ मतलब वो आई थिंक वो एक पर्सनल चॉइस है, वो एक लुक अच्छी लगती है, बट मेरा तो जैसे मन करता है मैं वैसे करती हूँ. क्योंकि मेरा, मेरी लुक से कोई लेना देना लगता नहीं है, मैं जो काम कर रही हूँ उसका, मेरा जो अध्यात्म है, मैं जिनके साथ कनेक्ट करती हूँ, मुझे लगता है उतना काफ़ी है. और वो भी बड़े सिंपल है, मुझे खुद भी सिंपल रहना अच्छा लगता है. मेरा मन करता है मैं साड़ी पहनती हूँ, मन करता है सूट पहनती हूँ, मन करता है जीन्स भी पहन लेती हूँ, जैसे मन करता है. हमारे मेन तो आपको मेरे से, आप मेरे पास अगर आए हो, आपको मेरे से कनेक्ट फील करना चाहिए, और मुझे उनसे कनेक्ट फील करना चाहिए. जो करते हैं बहुत अच्छा है, उन पर अच्छा भी लगता है. और रही बात बहुत सारे क्रिस्टल्स पहनने की, तो वो हर एक, मुझे लगता है हर एक की ना दवाइयाँ अलग है. तो मेरी कोई दूसरी दवाई है, आप उसको दवाई कह लो, औषधि कह लो, हो सकता है मेरे पास ऐसी औषधि भगवान ने दी है जो मुझे लगता है कि मुझे
उसी के अंदर जाके बहुत सुकून मिल जाता है और प्रोटेक्शन मिलती है, पावर मिलती है. बाकी ऐसा नहीं है, क्रिस्टल्स तो मैं अपने पास रखती ही हूँ, बस हाँ पहन के नहीं चलती. और मेकअप जितना ज्यादा करो उतनी उतना टाइम ज्यादा उसके अंदर लगता है. जितने में काम चल रहा है, जैसे आपने कहा था कि ना अपने किसी एक से कनेक्शन रखिए, आपका किससे कनेक्शन है? मेरा एक ही से है, उनके बस अलग अलग चेहरे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. कौन? मेरा विष्णु जी से बहुत लगाव. अच्छा. है तो वो कभी कृष्ण जी बन जाते हैं, कभी जगन्नाथ जी बन जाते हैं, कभी तिरुपति बालाजी बन जाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है. हालांकि मैं देवी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक माँ का रोल निभाती आई है बचपन से. मुझे बहुत प्यार था उन, प्यार है उनसे, और अच्छा. मैंने इसलिए उनका, बहुत छोटी थी तब मैंने ये कराया था. पर मुझे कृष्ण जी और विष्णु जी से ऐसा लगता है कि वो मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, तो मैं अपनी रीडिंग्स में इन दोनों से बातें करती हूँ जब जो जवाब दे दे. पर हाँ, विष्णु जी से, कृष्ण जी से, जगन्नाथ जी से, इन सब से, तिरुपति, मेरी एक्चुअली मेरी मम्मी ने मुझे तिरुपति बालाजी से मांगा था, तो अच्छा. मेरा मुंडन भी वहीं हुआ था. तो मैं, मेरे को सब मेरे घर में बोलते हैं कि मैं हूँ वहीं से, और पिछले जन्म में भी मैं वहीं की थी और मैं हूँ ही वहीं से. मुझे सब कुछ वहाँ का, सब कुछ अच्छा लगता है. मैं वहाँ जाती हूँ, मेरी आत्मा को तसल्ली और शांति मिल जाती है. तो मेरा मुंडन भी वहीं कराया था सब, तो वहाँ से इसलिए ज़्यादा कनेक्ट है. जब आप टैरो कार्ड रीड करती हैं तो क्या, जैसे एक होता ना पहले स्टार्टिंग में कुछ लोग होते जो मेडिटेशन करते हैं, तो आप भी ऐसा करती हैं स्टार्ट करने से पहले? जी जी, मेडिटेट भी करती हूँ और उनके साथ कनेक्ट भी करती हूँ. और ये आज से नहीं, सालों से ये रिचुअल बदला नहीं है, ये ना कभी बदलेगा. जो चीज़ है वैसी ही है, उसी रिस्पेक्ट से, उसी इज्जत से वो चीज़ मैं पूरा प्रोसेस करती हूँ. कभी भी गंदे हाथ हो तो नहीं छूती हूँ कार्ड्स, और कोई मेरी टेबल पे अपने गंदे हाथ नहीं रख सकता. और उस जगह की एनर्जी, और वो सब जानते भी हैं, तो वो तो मंत्र भी होते हैं और वहाँ पर पूजा वगैरह सब चीज़. मतलब मुझे ऐसा नहीं है किसी के डर से, पर अच्छा लगता है. और क्योंकि मुझे, जहाँ हम प्यार दे रहे हैं और प्यार मिल रहा है तो आदान प्रदान होता रहे ना, तो तुम्हें फिर कोई बताने की जरूरत नहीं है, तुम करते हो, तुम्हारे अंदर से आता है. तो मेडिटेट तो मैं करती हूँ, मंत्र भी करती हूँ और कनेक्ट भी करती हूँ. राइट, थैंक यू सो मच अदिति. यू